मेरे सतगुरा साबे तुम हर जानू आपे, हम रुते फिरते को बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, फिर करके तन तन गुरु नानक तन केरा, जित मिले चूके सब सोग संताप। मेरे ते गुरु ने मेरे ते रहम करके कह लगे मेनू बना लिया, अपना बनाया, मेनू बड़ा किता, नहीं ते कह लगे बड़ा है जी रहमत सदका। ए असली वड्डापन है जदो ओ वड्डा करे अपनी रहमत नाल, हौमे करके ते हर बंदा अपने आप नू वड्डा समझ रिहा, पर ए वड्डापन गुरु के सवारियो कोई अर्थ नहीं रखता। ते मैं बेनती ए कर रहा था, जदो हौम दा अभाव हौमे खत्म होई, उदो गुरु के सवारियो हर दूजा भी भरपूर नजर आउंदा है, चंगा नजर आउंदा है, गुणा नाल भरपूर नजर आउंदा है, अपने तो चंगा नजर आउंदा है। जिन्ना चिर तक होमे मौजूद है उन्ना चिर बंदा कहिंदा नहीं तेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, ते दूजे वर्गा माड़ा कोई। इह तां केवल निम्रता आ जाए, फिर किधरे ए गुरु के सवारियो अवस्था बनदी है। आप जी जानते हो धन गुरु रामदास जी पातशाह महाराज जी नू बाबा श्री चंद साहब मिले सन, तो उन्होंने सुभाव एक सवाल किया, सतगुरु गुरु रामदास जी पातशाह जी का सुंदर दाड़ा वेख के, बड़ा दर्शनी ते सुंदर दाड़ा सी, हजूर का सुंदर लम्मा दाड़ा वेख के बाबा श्री चंद जी सवाल करते ने, सतगुरु जी कृपा करके दसो भी एडा दाड़ा तुसा कदे लई वधाया होया। ध्यान देना किन्ने एना लम्मा दाड़ा तुसा ने कदे लई वधाया। इतिहास के बोल ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने दाड़े नू पकड़िया, चरणा वल बाबा श्री चंद जी दे वल होंदिया होया जवाब दिता, कह लगे बाबा जी ए दाड़ा तुहाडे वर्गे सत पुरशां दे चरण झाड़न वास्ते बधाया होया। ते बड़ी वड्डी गल, ते जदों सतगुरु जी ने यह वचन कहा, बाबा श्री चंद ने अगों बाह फड़ लिया, कह लगे आ ही गुण है जिस गुण करके, जिस रब की इस महान रहमत दे करके धन गुरु नानक साहब जी नूं तुसां ने प्रसन्न कर लिया, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं तुसां ने प्रसन्न किया। ध्यान देना गुरु सवारियो, उत्थे इह संदेश दिता गुरु रामदास पातशाह जी निम्रता दा, ते निम्रता हमेशा ही